तो कैसा लग रहा है आपको? कहाँ खड़े हैं? अच्छा ये बताइए आप पहले, कार्बो एरो के बोर्ड वॉक में आते वक्त बीच में एक पॉइंट आता है, एग्जिट पॉइंट, एंड फिर वहाँ से नीचे आते 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 आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। आज फोर्थ डे है एंड हम लोग अभी आए हुए हैं प्राया दो कार्वो एरो। ये भी इसी कोस्ट लाइन का और एक बीच लोकेशन है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे कार्वो एरो बोर्ड वॉक है। बोर्ड वॉक इज़ नथिंग बट इनके जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो क्लिफ्स हैं उसमें बहुत सारी, और क्लिफ्स पे इन्होंने लकड़ियों से एक वॉकवे बनाया है जिसको हम आज जिस पे हम वॉक करेंगे आज। एंड बिफोर दैट आई वांटेड टू शो यू समथिंग वेरी यूनिक, नॉट यूनिक, इट्स अ हिली रीजन, मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है ड्राइव करने का, एंड द पार्किंग इज ऑल्सो ऑन एन इनक्लाइन टू बी ऑनेस्ट। जस्ट लुक एट इट, गाड़ी मेरी वहाँ से आई है, यहाँ से मतलब माय गाड़ी इज़ ऑन एन इनक्लाइन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई एम श्योर आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ड्राइव किया होगा तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है, बट इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस एंड आई वाज जस्ट अफ्रेड कि गाड़ी खिसक ना जाए, लुढ़क ना जाए बिकॉज इट्स ऑन एन इनक्लाइन। सो और एक चीज़ कि ये पार्किंग जो है इट्स फ्री आई गेस एज ऑफ नाउ। मेरे को अभी तक कोई पार्किंग मीटर्स दिखे नहीं है, बट अगर कुछ मिले तो मैं आपको बताऊंगा फिर। अगर मैं आपको इंक्लाइन बताने वाला था तो देखिए यहाँ से आपको व्यू समझ में आएगा थोड़ा सा। एंड वो आगे है कार्वो एरो का छोटा सा कोस्टल टाउन। अब यहाँ से शुरू होता है कार्वो एरो का जो बोर्ड वॉक नहीं, मार्केट एरिया बेसिकली। एंड ये भी एक बीच टाउन है जिसके मार्केट एरिया यहाँ पे है। अनफॉर्चुनेटली हम जिस मार्केट में जा रहे हैं वहाँ पे अभी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। वहाँ से कैसा भी देखें।
कार्बोडेरो बोर्ड वॉक कहते हैं. कार्बोएरो बोर्ड वॉक कहते हैं. बोर्ड वॉक कहते हैं. बट दिस इज एक्चुअली द ऑफिशियल नेम. नेचर ट्रेल जो है एंड वेजिटेशन है, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं, मरीन एनवायरनमेंट है, कोस्टल एवियन फौना है और एक फोर्ट भी है. और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे इसी लोकेशन पे वो है बोनेका करके एक स्पॉट है जहाँ पे यूजुअली न्यू कपल्स आके व्हेन दे गेट मैरिड तो यहाँ पे आके फ़ोटो खिंचाते हैं. तो इससे मतलब ये कि आपको कुछ अच्छा लक वक वगैरह मिलता है. और हम थोड़े देर पहले गए थे यहाँ पे एंड लाइन लगी हुई थी बट एनी वेज वी कॉट अ पिक. It's a nice place. And यहाँ पे आपको पार्किंग भी मिल जाएगी. इनफैक्ट हमें पता नहीं था, हमने दूर करी है पार्किंग बट यहाँ पे पार्किंग भी मिल जाएगी. तो अगर आपका यहाँ पे आने का मन हो कार्बोएरो में द मेजर अट्रैक्शन इज़ कि आप गाड़ी या तो यहाँ पे पार्क कर सकते हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं या तो गाड़ी आप वहाँ पे पार्क करिए जहाँ पे हमने किया है जो कि कार्बोएरो के पास है. और वहाँ से आप ये बोर्ड वॉक को चढ़िए एंड इट्स नॉट मोर देन आई गेस 800 मीटर्स या 900 मीटर्स की वॉक होगी. And then you can reach this end point. And यहाँ पे आने के बाद आप ट्राई करें कि आप 10-11 बजे के आसपास आएँ ताकि आप 12 बजे तक वहाँ पे पहुँच सकें. वहाँ पे बोने का स्पॉट है फ़ोटो खिंचाने के लिए
और बोनेका नाम की बार भी है, बार मतलब रेस्टोरेंट काइंड ऑफ, तो वहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं, खाना भी इट्स नॉट सो एक्सपेंसिव, आई थिंक रीजनेबल, हम दोनों का 23 यूरोस में काम बन गया। हमने एक ग्रिल चिकन ऑर्डर किया था, हमने एक फिश सूप ऑर्डर किया था, और हमने एक ब्रेड, एक स्टार्टर काइंड ऑफ लाइक ब्रेड एंड बटर एंड थोड़े बहुत ऑलिव्स एंड टमेटोज एंड तीन पेप्सी शायद से, सो या विच इज रीजनेबल एंड या सो दैट्स आवर ट्रिप टू कार्वो एरो इन डे 4, राइट? हम जब यहाँ पे आने के लिए हमने प्लान किया था, तो हमने शायद इतना प्लान नहीं किया था कि हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, वी वांटेड अ वेरी स्ट्रिक्ट 3-day बीच हॉलिडे, बट हमारे साथ हुआ यू कि जैसे आप किसी लोकेशन पे आते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इंक्विजिटिव हो जाते हैं किसी जगह के बारे में, तो हमारी जो बोट ट्रिप थी दैट वॉज वन ऑफ द गेम चेंजर इन सेंस कि इट वेंट फ्रॉम वन कोस्ट टू अनदर कोस्ट, एंड उसके दौरान पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी है, एंड उसमें से एक बीच हमने देखा कार्वो एरो और ये बोट वॉक देखा। ये बोट वॉक के बारे में मुझे एकदम पता नहीं था, बट आई थिंक कि आफ्टर हैविंग कम टू दिस पॉइंट एंड ये सब क्लिफ्स, ये ब्रेथ टेकिंग सीनरी देखने के बाद आई थिंक आई हैव नो वर्ड्स। सबका मन कर जाएगा, मुझे लगता है कि वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बार इसको एक्सपीरियंस करें। आई मीन यहाँ पे आप एक्चुअली देख सकते हैं कि हाँ, समुद्र और आसमान मिल रहे हैं एक पॉइंट पे। सो इफ यू वांट टू से कि व्हाट वाज योर मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप सो फार, एट लीस्ट फॉर पोर्टुगल आई वुड से कि दिस पर्टिकुलर लोकेशन, एंड आई मीन लाइक अगर मैं आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद किसी से डिस्कस भी करूं, व्हाट डिड यू लाइक अबाउट पोर्टुगल और व्हाट डू यू लाइक अबाउट द साउथ पोर्टुगल, माय सिंपल आंसर वुड बी दिस ब्रॉड वॉक फ्रॉम कार्वो एरो बीच टू बोनेगा, दिस वाज आउटस्टैंडिंग।